ये गलत है कि टारगेट किलिंग्स आज हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का पड़ोसी मुल्क हमारे पीस को, उसको वो दिखता नहीं है कि यहाँ पीस हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ये उसी की साजिश है, कुछ ट्रेंड लोगों को यहाँ बेचकर, कुछ यहाँ के नौजवानों को वर्गला कर ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। आपने कल देखा उनकी हालत, अपनी हालत क्या है, वहाँ का चुनाव आपने देखा कैसे लोग क्लेम, और सिक्योरिटी एजेंसीज इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं और उसको निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब एकदम आराम से बैठेंगे, उनके लिए ये चैलेंज है और चैलेंज को वो मुकाबला करेंगे कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन है। आर्मी जिसको चाहती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनना, उसको वो बना देंगे, उसको वो बनाएंगे, वो बन रहा है, ऐसा उसको दिखता है। आपने कल देखा कि कैसे पोलिंग बूथ को कैसे कल महिलाएं जो तीन तीन चार चार घंटे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, उनको पोलिंग बूथ के अंदर आने ही नहीं दिया, उनको वोट डालने ही नहीं दिया। ये सब बातें हमारे सामने हैं और उस प्रकार की जो अराजकता वहाँ है, उस अराजकता को वो, उनको ये लगता है कि हम कश्मीर को भी उसी प्रकार का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग विशेष तौर पर इसको कबूल नहीं करते। एक बिल्कुल हमने पहले भी कहा है कि भाई हम उनको जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ न्याय करेंगे, और कुछ न्याय हमने किया है, जो और कुछ करना है वो भी करेंगे। ये गलत है कि टारगेट किलिंग्स आज हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का पड़ोसी मुल्क हमारे पीस को, उसको वो दिखता नहीं है कि यहाँ पीस हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ये उसी की साजिश है, कुछ ट्रेंड लोगों को यहाँ बेचकर, कुछ यहाँ के नौजवानों को वर्गला कर ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। आपने कल देखा उनकी हालत, अपनी हालत क्या है, वहाँ का चुनाव आपने देखा कैसे लोग क्लेम, और सिक्योरिटी एजेंसीज इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं और उसको निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब एकदम आराम से बैठेंगे, उनके लिए ये चैलेंज है और चैलेंज को वो मुकाबला करेंगे कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन है। आर्मी जिसको चाहती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनना, उसको वो बना देंगे, उसको वो बनाएंगे, वो बन रहा है, ऐसा उसको दिखता है। आपने कल देखा कि कैसे पोलिंग बूथ को कैसे कल महिलाएं जो तीन तीन चार चार घंटे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, उनको पोलिंग बूथ के अंदर आने ही नहीं दिया, उनको वोट डालने ही नहीं दिया। ये सब बातें हमारे सामने हैं और उस प्रकार की जो अराजकता वहाँ है, उस अराजकता को वो, उनको ये लगता है कि हम कश्मीर को भी उसी प्रकार का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग विशेष तौर पर इसको कबूल नहीं करते। एक बिल्कुल हमने पहले भी कहा है कि भाई हम उनको जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ न्याय करेंगे, और कुछ न्याय हमने किया है, जो और कुछ करना है वो भी करेंगे।